सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कि डेट शीट है आपका उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले जो कि डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। अभी बहुत सारे आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स ये लेकर कंफ्यूज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स। एग्जाम्स तो डेफिनेटली कंडक्ट होगा, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर हम कोई भी चीज को टारगेट करते हैं, हियर द मेन टारगेट इज ऑफकोर्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स। तो सपोज बोर्ड एग्जामिनेशन है, सपोज यहाँ पर कोई भी डांस कॉम्पिटिशन है या फिर कोई भी सिंगिंग कंपटीशन आपके स्कूल्स में होता है या फिर कहीं पे भी होता है या फिर कोई डिबेट कंपटीशन है, कोई स्पीच आपको देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपेयर से पहले फर्स्ट यू सी द टारगेट, टारगेट की मतलब कब किस दिन वो ऑर्गेनाइज होने वाला है या फिर एग्जाम्स है यहाँ पर तो एग्जाम्स कब से कंडक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली वी टारगेट एंड वी प्रैक्टिस वी प्रिपेयर आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम्स कब से स्टार्ट है, एटलीस्ट डेट्स नहीं पता एग्जैक्ट डेट्स तो कौन से मंथ से स्टार्ट है एग्जाम्स ताकि हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर सके फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन की वी विल बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स अ वेरी गुड परसेंटेज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड माइंड यू द मार्क्स ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड्स को छोड़ दो, प्री बोर्ड्स में आपका जितना भी मार्क्स आता है बट द मेन टारगेट इज टू अचीव और इज टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड कोई भी प्री बोर्ड्स का मार्क्स नहीं देखेगा, रादर बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क, एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क योर परसेंटेज। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कि डेट शीट है आपका उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले जो कि डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफकोर्स बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, फॉर ऑल एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स। सो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले एंड लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, कुछ क्विजेज इन ऑल कंडक्ट करवाया जाएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराया जाएगा दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर एमसेट। एंड ये पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ यू कैन यूज द कोड Mastermind in order to get a 10% discount. And अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वेल सो हियर लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है डेट शीट तो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ये सभी को पता है। काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर ऑलरेडी आपको डेट शीट मिलेगा बट ऑफिशियल जो कि मेन डेट शीट है वो ऑफिशियल साइट पे आएगा और जहाँ पर भी आपको दिखे दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, सीआईसी का डेट शीट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो कि टारगेट है जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट डेट्स नहीं पता एग्जैक्ट डेट्स लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ से एग्जाम स्टार्ट है सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो हियर लेट मी टेल यू कि बोर्ड एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और द फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंडक्ट होगा। Now you will be asking me कि how can you be so sure, बर्षा दीदी how can you tell us that exams या तो अप्रैल या फिर मई से स्टार्ट होगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मई। तो हियर देर आर सेवरल रीजन्स, आई टेल यू वाई एग्जैक्टली इट कैन हैपन। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ऑलरेडी यू नो दैट मिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने सीबीएसई का डेट शीट अनाउंस किया था रिसेंटली नहीं 31st ऑफ दिसंबर 2020 को अनाउंस हुआ था। तो अभी सीबीएसई का भी डेट शीट हमें ये नहीं पता रूटीन कि कब से एग्जाम्स तो स्टार्ट कब से वो पता है, रिजल्ट जो है उसके रिगार्डिंग भी कुछ डिस्कशन हुआ था, यू नो द डेट्स, लेकिन नहीं पता कि कितना गैप्स रहेगा, कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा। सो दिस इज ऑफकोर्स नॉट येट डिसाइडेड एंड इट्स नॉट पब्लिश येट, लेकिन वी नो कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि एग्जाम्स 4th ऑफ मे से स्टार्ट है। तो आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी डेट शीट जो है वो सिमिलर होगा, सो देर आर चांसेस कि मे में कंडक्ट हो सकता है एग्जाम्स या फिर उससे पहले भी हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उससे पहले तो डेफिनेटली कंडक्ट नहीं होगा बिकॉज अगेन वी हैव इलेक्शंस एंड ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम सेकंड रीजन को लेकर डिस्कस करें तो अभी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, नाउ बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई का तो 4th ऑफ मई से है और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनका भी डेट शीट धीरे धीरे कर अनाउंस हो रहा है। अगर हम देखें तो स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड ऑल एवरीवेयर द डेट शीट हैज बीन अनाउंस्ड जो कि स्टेट बोर्ड्स है बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में
आई गेस इट्स 29th, यस इट्स 29th ऑफ अप्रैल। तो 29th ऑफ अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में तो और लेट से हो रहा है, जून में एग्जाम स्टार्ट है, 1st of June से एग्जाम स्टार्ट है। और भी जितने भी स्टेट्स है, अगर हम देखें स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम, तो स्टेट बोर्ड जितना भी स्टेट बोर्ड है उसका भी एग्जाम्स अप्रैल या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मई में डेट शीट मतलब स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्स। तो अगर हम इस तरह से देखें तो डेफिनेटली आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी यू हैव टू कीप द टारगेट कि एग्जाम्स जो है या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर मई में होगा, बट कीप इट फॉर अप्रैल ओनली बिकॉज यू हैव टू बी प्री हैंडेडली प्रिपेयर्ड, बिकॉज अगेन आपको प्रिपरेशन के बाद रिविजन इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट 10 ईयर सॉल्व करना है। और इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सो यू कैन वॉच दैट, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दीज आर टू सेवरल रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सो अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज आपके पास 2.5 मंथ्स है अच्छे तरीके से, अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर। उससे पहले तो डेफिनेटली एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होगा, सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू गिव ऑल योर एफर्ट्स in order to score a very good percentage in your board examinations. So start studying and preparing seriously for your board examinations. I have given you an overall idea ki aapko kab tak preparations ko complete karna hai and target karna hai ki aapka sara syllabus acche tarike se complete ho. So I hope ki aapko overall idea mil gaya hoga ki board examinations kab se start hone wala hai ICSE and IAS students ke liye. So this was the video. Thank you so much for watching. Is video ko like kar dena, share kar dena, and the most important thing ki agar aapne hamara Telegram group abhi tak join nahi kiya hai to uska link bhi main try karungi niche description box mein provide karna, which I have specially created for all ICSE and IAS students. Thank you so much for watching.